Today with chapter 6, number 218. Vijay will project it as well if you guys haven't seen it. If you have a very pressing question, and make it a good one, text it to Pintu or Vandan, and we will try to address them in the afternoon. The goal is to have an uninterrupted format this afternoon. And with that, we'll start with Bharat Bhai. Yes, ma'am. जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा जिनियमृतवाणितो वैरै साक्षात्महिमारूपे जेनी ब्राह्मीस्थिति अहोलिनकरे सुभव्याक्षरपदे शरणागतनिजाल्पजीवसौना श्रेयार्थे तत्पर रहे काकास्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे हयो तो वंदन सिद्धान स्वामी महाराज नी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय 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 गुरु हरि काका जी महाराज गुरु हरि पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव नी प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज नी संत भगवंत साहेब जी महाराज की सर्व गुणातीत स्वरूपों की परम पूज्य दिनकर भाई प्रागट्य पर्व महोत्सव नी गुणातीतान स्वामी की बातें उसके ऊपर पिंटू भाई और सपन भाई सबने बताया कि आज उसके ऊपर थोड़ा सत्संग करना है। स्वामीनारायण गुणातीतान स्वामी ने स्वामी की बातों का जो पुस्तक है उसमें आगे लिखा है वो पहले हम प्रार्थना करते हैं बाद में वो बात पढ़ते हैं। प्रथम तो सर्व संकल्प ने पड़ा मुकी ने एकाग्र चित्त थई ने श्रीजी महाराज पुरुषोत्तम ने संभारी ने एम धारू जे स्वामी वातु करे छे ने आपणे सांभळीए छीए एम सांभळवी ने ते प्रमाणे पोताना अंतरमां तपास करता जवू ने कह्युं छे तेम वर्तवुं। नातितान स्वामी ने पहले ही बताया स्वामी की बातों में कि हमें इसी तरह से बातें सुननी है। जनरली कथावार्ता होती है और स्वामी की बातों के जैसे ऐसे पुस्तकों पढ़े जाते हैं तो ज़्यादातर जिसको वो महात्मा नहीं है उसको नींद आ जाती है और हम उनमें इतना ये खो जाते हैं ट्रांस में चले जाते हैं। एक संत कथा कर रहे थे और कथा करते करते उसको नींद आ गई और सामने वाले को नींद आती थी तो बोलते संत ने बोला भाई सो क्यों रहे हो बोलते हम क्यों सो हम तो क्या सोते नहीं है मगर जो आपकी ये पुस्तक है ना
उसमें से नींद निकल रही है मगर ये गुणातीतान स्वामी का पुस्तक है, वो बहुत बहुत उसकी बातें हमारे मन बुद्धि चित्त के सीमाड़ा की पार की बातें, हम जो भी बातें सुनते हैं, बातें जो हमारी मानसिक भूमिका से मन से बुद्धि से उसका कैलकुलेशन करेंगे उससे पर की बातें हैं ये सब। और ये गुणातीतान स्वामी ने जो बातें करी वो आज से करीब करीब 200 साल पहले बात करी, 200 years back, मगर आज भी वो जीवंत है। क्यों जीवंत है? क्योंकि आज भी हमें आज के युग में भी वो इतनी ही अप्लाई होने वाली बातें हैं। वो टाइम में बात करी होगी इसलिए वो टाइम की बात नहीं है। गुणातीतान स्वामी बहुत बहुत विचक्षण थे और वो टाइम के जो जो प्रसंग बनते थे उसको भी गुणातीतान स्वामी ने बातों में ले लिया है। अंग्रेजों की बात करी है, फिरंगियों की बात करी है, ऐसे बहुत सारी बातें करके गुणातीतान स्वामी ने ये बताया है कि हमें भगवान में जुड़ना है। भगवान ने जो जो हमारे अंदर विशिष्ट तत्व लगाए लगे हैं वो हमें पता नहीं है, मगर गुणातीतान स्वामी ने ऐसा निरीक्षण किया है और वो बताते हैं कि हमारे अंदर में बोलते हैं जनरली खांडनियाँ होता है, वो ऐसा नीचे खांडनियों वो नीचे होता है और ऊपर जो दस्ता सांबेलू वो ऊपर होता है। तो बोलते हैं हमारे बॉडी में भगवान ने उल्टा किया है, खंडनियाँ ऊपर ऐसा उल्टा रखा है और नीचे से सांबेला है। समझ में आता है? ये जो ये भाग हिलता है ऊपर नहीं हिलता है, इसलिए ऊपर है वो, ऊपर में सब रहता है और वो क्रॉस होते हैं नीचे का हिलता है। कभी हमने ये सोचा भी नहीं होगा मगर गुणातीतान स्वामी ने वो सोचा है, गुणातीतान स्वामी ने वो निरीक्षण किया है कि हमारे अंदर में भगवान ने रचना उल्टी की है। कोई ऐसा सोच नहीं सकते कि इसी तरह से हम क्रश करें कोई चीज को। तो ऐसे गुणातीतान स्वामी की जो बात है वो भगवान में जुड़ने की बात है और ब्रह्मरूप होने की बात है। जब भी गुणातीतान स्वामी का पुस्तक बनाया था वो लिख रहे थे तभी ऐसी बहुत सारी बातें उसमें आती है कि जो ब्रह्मरूप होने की बात है और वो ब्रह्मरूप होने की बात वो हमारा मेन गोल है, ब्रह्मरूप होके परब्रह्म में जुड़ना। और उसमें चौथा प्रकरण की 140वीं बात में लिखा है भगवान और भगवान के भक्त का गुणगान गाओ तो जीव ब्रह्मरूप हो जाएगा। कितना इजी बात बताए, ऐसे बहुत सारे बातें बताई है और उसमें एक बात ये भी बताई है। गुणातीतान स्वामी बहुत ही नियम धर्म में बहुत स्ट्रांग थे, ऐसे गुणातीत साधु उसकी पहचान होती है। जूनागढ़ी साधु आज भी वो जूनागढ़ी साधु की पहचान है कि वो नियम धर्म में एकदम पक्के रहेंगे, नियम धर्म उसका जरा भी विचलित नहीं होगा, वो गुणातीतान साधु गुणातीत साधु। उसका जो कल बताया था ना किसी ने ब्रांड ऐसी ब्रांड होती है। तो एक जगह में संतो गए थे, वो मंडल गया और वहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी। गुणातीतान स्वामी ने सब संतों को बोला कि आपुन अभी वो गांव में जाते हैं, पानी की तकलीफ है तो सब अपने साथ में एक एक केन पानी का भर के लेके जाओ। पानी का केन भर के लेके गए और बाद में वहाँ जाके बोला हमको कुछ खाना बाना है नहीं, कथा करना है सत्संग करना है तो आप सब बैठ लाओ, पानी की चिंता नहीं है, हम पानी लेके आए। तो उसने बोले ओ कोना साधु, गुणातीत ना जूनागढ़ ना साधु। तो ऐसे सामने वाले को शांति हो, सामने वाले को ऐसा हो हास
ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हेल्पफुल होए वो साधु। और ऐसे गुणातीत साधु उसने बातों में बहुत जगह में बताया, और ये जो हमको बात बताई गई है कि ये बात पढ़नी है, वो बात में भी वही बताया है। स्वामीनारायण रे स्वामी ये बात करी जे छेल्ला प्रकरण नु बीजु वचनामृत वंचाव्यू, अंत्य का दो वचनामृत, तेमा वात आवी जे तप त्याग योग ने यज्ञ जेवो वश थतो नथी तेवो सत्संगे करीने वश थाउ छू, एम श्री कृष्ण भगवाने उद्धवजी प्रत्ये कह्यु छे। कृष्ण भगवान ने बताया उद्धव जी के प्रति कि मैं तप से, त्याग से, व्रत से, दान से, योग से, यज्ञ से नहीं वश होता हूं। अभी ऐसा बात करेगा तो वो उल्टा हो गया एकदम, मगर मैं सत्संग से वश होता हूं। और वो सत्संग क्या है तो कि ऐसे गुणातीत संत पुरुष को दो हाथ जोड़ना और वो कहे ऐसा करना, कल बात हुई थी, वो सत्संग से मैं वश होता हूं। कृष्ण परमात्मा थे और उसने अर्जुन को इसलिए सिलेक्ट किया, अर्जुन भी मानता नहीं था मगर उस कृष्ण भगवान ने सिलेक्ट किया कि मैं जो कहूं ऐसा तुम करो। तो कृष्ण भगवान को पसंद आया और कृष्ण भगवान ने उसको अपना पसंदगी का पात्र बना दिया। तो अर्जुन को, अर्जुन में तप त्याग योग व्रत ऐसा देखने जाए तो कुछ नहीं था, मगर कृष्ण भगवान सब कुछ है ऐसा मानते थे। ऐसे सत्संग प्रधान था, भगवान प्रधान था, भगवान मुख्य था, बाकी सब बाद में। तो एक वचनामृत में बताया है मध्य के नव के ऐसे के स्वल्पम अपि स्वरूप निष्ठानु बल अधिक छे, युधिष्ठिर धर्म में बहुत आगे था, सत्यम पद सत्य बोलता था और इतना धार्मिक था युधिष्ठिर कि उसका रथ पृथ्वी से 4 फुट ऊपर चलता था, उसका प्रताप से रथ उसका 4 फुट ऊपर पृथ्वी पे चलते। मगर कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि खाली इतना बोलो कि अस्वस्था में मर आया। तो बोलते मैं ऐसा कैसे बोलूं, अस्वस्था में मरा ही नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूं अस्वस्था में मरा। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, खाली इतना बुलाने के लिए कृष्ण भगवान को पूरा प्रोसेस करना पड़ा, और बाद में भी वो बाद में बोला तुम ऐसा बोलो मैं एक अस्वस्थामा नाम का हाथी है उसको भीम के हाथों से मराऊंगा, फिर तो आप बोल सकते हो ना कि अस्वस्थामा मराया। तो बोलते तो भी हाँ ना बेचारा हाफ हार्टेडली बोला हाँ बोलूंगा करके। और बाद में जब युद्ध में वो अस्वस्थामा नाम के हाथी को मारा, भीम ने जोर जोर से बोला अस्वस्थामा मराया अस्वस्थामा मराया, तभी द्रोणाचार्य ने बोला कि धर्म राजा बोले कि हाँ अस्वस्थामा मराया तो मैं मानता हूं। तो कृष्ण भगवान ने उनको सामने लाया, ये देखो ये बोल रहा है। तो युधिष्ठिर ने बाद में बोला और उसने इतना बूमा बूम किया भीम ने कि युधिष्ठिर क्या बोलता है वो ज्यादा सुनने में ना आए। युधिष्ठिर ने इतना बोला धर्म राजा ने कि अस्वस्थामा मराया नरोवा कुंजरोवा, उतना बोला मगर वो सुनने को नहीं दिया उसने इतना आवाज में। तो इतना प्रोसेस करने के बाद में वो खाली इतना बोला ना, उसके दिल में ये हुआ कि मैं झूठ बोला मैं झूठ बोला, तो उसका रथ नीचे पृथ्वी पे आ गया, तब खलास हो गया। तो कहना ये है कि सत्संग ये इम्पोर्टेंट है, सत्संगे करीने मुझे वो वश थाउ छू, ये वो तप त्याग योग व्रत यज्ञ करीने नथी थतो। त्यारे स्वामी कहे ये वात आवी त्यारे स्वामी कहे आ वात सांभळो, हवे जेटलू छे
તેટલું આટલી વાતમાં આવે છે. અભી જીતના હૈ ઉતના એ વાત મેં આતા હૈ. એ વંચાવીને કહ્યું જે તપ ત્યાગ યોગ યજ્ઞ વશ નથી થતા ને સત્સંગે કરીને વશ થાય છે, એ સત્સંગ આપણને મળ્યો છે. માનતે હૈ હમ લોગ કે હમકો એસા સત્સંગ મિલા હૈ. આપ લોગ ઇધર આયે હો વહી સમજ મેં આતા હૈ કે માનતે હો કે હમે એસા સત્સંગ મિલા હૈ. એસા સત્સંગ મિલના દુર્લભ હૈ. દુર્લભ મેં દુર્લભ સત્સંગ, દુર્લભ મેં દુર્લભ મનુષ્ય દેહ, અને દુર્લભમાં દુર્લભ એકાંતિકપણું. એ ત્રણેય વાત આપણને મળી રહી છે. તો એસા દુર્લભ સત્સંગ મિલા હૈ તો હમ ક્યા કરેંગે. એકદમ દુર્લભ સત્સંગ હૈ તો હમેરા કાન, હમેરા મન, હમેરી બુદ્ધિ, હમેરા ચિત્ત સબ ઉસમે લય હો જાયેગા. ઓ યે મિલા હૈ, ઇતના સુનને કો મિલ રહા હૈ, ઇતના અચ્છા સત્સંગ હૈ, ઇતને એસે સંત મિલે હૈ, તો હમેરી દ્રષ્ટિ કહાં રહેગી ઉસકે ઉપર. બ્રહ્માંડ સ્વામી ઓર એસે જો પરમહંસ થે વો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે સાથ એસે જુડે થે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કા જૈસા હૈ વૈસા મહાત્મા નહીં સમજાવો અલગ બાત હૈ, મગર ઉનકા જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે સાથ જો જોડાણ થા વો એસા થા, ઉસકી દ્રષ્ટિ મહારાજ કે ઉપર થી. મહારાજ ક્યા કરાના ચાહતે વો સમજ મેં આ જાતે. એક બાર બ્રહ્માંડ સ્વામી બેઠે થે ઓર મહારાજ ઓર ખાના ખિલા રહે થે ઓર મહારાજને એક લાડુ લિયા ઓર બ્રહ્માંડ સ્વામી કે ઉપર ફેંકા. બ્રહ્માંડ સ્વામીને ઉસકો વાપસ ફેંકા. મહારાજને વાપસ, બ્રહ્માંડ સ્વામીને વાપસ. એસા સામને ઓર ટેબલ ટેનિસ કા ગેમ શરૂ હો ગયા. તો બ્રહ્માંડ સ્વામી લે રહે એસા લેતા હૈ. મહારાજને બાદ મેં બહુ બાર હો ગયા. બાદ મેં મહારાજને સોચા અભી એ ટાઈમ વો વાપસ આયા ને તો હમ લે લુંગા. તો મહારાજને જૈસા ઈ ફેંકા બ્રહ્માંડ સ્વામીને લે લિયા ઓર ખા લિયા. મહારાજ બોલતે ફેંકો તો બોલતે મહારાજ અભી મેં જાન ગયા કે આપ અભી વાપસ બેઠા. કિતના મહારાજ કે સાથ એક હો ગયે કે મહારાજ કી મરજી સમજ મેં આવી. ઓ મહારાજ કે સાથ વો સત્સંગ ઇતના પાવરફુલ થા તો ઉસકો સમજ મેં એ આયા કે મહારાજ ક્યા કરાના ચાહતે. તો એસે અગર કૃષ્ણ ભગવાન કે સાથ ધર્મરાજા જુડે હોતે તો ઉસકો સમજ મેં આતા થા. અર્જુન કો વો સમજ મેં આતા થા કે કૃષ્ણ ભગવાન અભી યે કહેના ચાહતે, તો ભી ઉસકો કભી કભી યે હોતા થા. ઓર ઉસકે લિયે યે પૂરા મહાભારત કા યુદ્ધ થા. એ વંચાવીને કહ્યું જે તપ ત્યાગ યોગ યજ્ઞ વશ થતા નથી તે સત્સંગે કરીને વશ થાવ છું, અને એ સત્સંગને આપણે મળ્યો છે પણ જણાતો નથી. સાધુ મળવા દુર્લભ છે ને આ સૌ સભામાં બેઠા છે, બેઠી છે તેમાં એ વાત તો જે જાણે તે જાણે છે. અભી એ ગુણાતીતાન સ્વામી ઓ ટાઈમે એસી સભામાં ઈ બેઠે હો ગયા. ઓર બોલતે યે સભા મેં ભી વો બાત જો જાનતે વો જાનતે કે સાધુ મળવા દુર્લભ છે, હમે સહજ મેં મિલતા હૈ ને સબ, ઇસલિયે ઉસકા વેલ્યુ નહીં. હમેરે ઇન્ડિયા મેં વો એક IRS કલેક્ટર થે મામગીન સાહબ કરકે, બિચારે બહુ ભક્તમ હૃદય થે ઓર બહુ સાહબ કે સાથ, પપ્પાજી કે સાથ, સ્વામીજી કે સાથ, કાકાજી કે સાથ, દિનકરભાઈ કે સાથ ભી બહુ જુડે. વો પહેલે બરોડા મેં રહેતે તભી સત્સંગ મેં બહુ આતે રહેતે થે ઓર સત્સંગ કરતે થે, એસા સત્સંગ હંમેશા મિલતે રહેતા થા. બાદ મેં ઉનકા ટ્રાન્સફર હો ગયા બેંગલોર, તો બેંગલોર મેં કોઈ સત્સંગ કા કોઈ અપના સ્ટેન્ટર નહીં થા ઓર કોઈ ભક્ત ભી એસે નહીં થે, ઇસલિયે વો બેંગલોર ચલે ગયે. બેંગલોર મેં પહોંચે
करीब 6 महीना हो गया मगर कोई गए नहीं थे सत्संग के लिए, और वो ढूंढते थे कि कहाँ सत्संग मिले, कहाँ सत्संग मिले। इतने में मैं और वसी भाई ऐसे बेंगलोर की विजिट के लिए ऐसे ही गए थे कोई एक भक्त के लिए, तभी मालूम पड़ा कि यहाँ मैम मामगिन साहब भी है, तो वहाँ भी उसके घर गए। उसके घर गए तो उसने सीधा ही बोला कि आज बहुत बारिश हुई, अभी बारिश तो नहीं आई थी मगर वो बताते रहे कि अभी तक दुष्काल था, सत्संग नहीं मिलता था वो दुष्काल था, अभी आज आप आए हो तो इतना सत्संग मिला है तो बारिश हुई, वो बारिश सुकाल हो गया। तो सत्संग इतना दुर्लभ, वो समझना जणा तो नहीं, साधु मळवा तो दुर्लभ छे, आ सब सभा बैठी छे तेमा ए वात तो जे जाने ते जाने छे, सबने समझाए नहीं, सभी को समझ में नहीं आता है, जिसको जानने में आता है वो। कभी कभी दिनकर भाई बताते हैं कि ये हम हीरानंदानी में आते हैं, तभी बोलते हैं हीरानंदानी में कितने लोग हैं, लाखों लोग हो गए मगर उसमें से मंदिर में कितने आते हैं, बहुत थोड़े बहुत 1% आते होंगे, 1% भी नहीं, और उतना दर्शन को आते हैं, भजन को आते हैं, कोई महापूजा में आते हैं, ऐसे बहुत रेयर है। तो वो बोलते हैं वो समझना मुश्किल है, अगर समझ में आ जाए तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। हावो जोग मळ्यो छे ने पछी बीजाने वळगे छे ते काई समझता नथी, ऐसा जोग मिला है और दूसरों को दूसरे में अटैच हो जाता है, वो कोई समझते नहीं है, ऐसा फेज आते ही रहता है। जोग मिला है, समझते भी है, महात्मा भी है मगर भार पड़ जाता है। योगी जी महाराज जब भी संतों दारदर मंदिर में रहते थे, और योगी जी महाराज सब संतों को कोई वो आया इनविटेशन आया होगा कि फलाना कोई धर्म के बड़े गुरु ऐसा कुछ सभा है चिन्मय मिशन में, ऐसा किधर सभा थी कैसा, तो सब संत लोग गए थे, बहुत अच्छी सभा हुई, उसके लिए अच्छी अरेंजमेंट भी सब हुई थी। तभी वापस आ गए तो बापा ने लेटर लिखा, लेटर लिखा था, बताया था सबको, आदेश दिया था कि आज उपवास करना। संतों को लगा कि ये तो हम सत्संग में गए और उपवास, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मगर फिर भी कोई लोगों ने ऐसा सोचा कि वहाँ कोई लेडीज बेडीज को टच हो गया होगा, इसलिए संतों को उपवास दिया है। बाद में पप्पा जी आए तो पप्पा जी ने बताया केम लाडवो खाधो ने, संतो बोले भाई ये क्या लाडवो खाधो, उपवास दिया है और लाडवो खाधो, एटले लाडवो खाधो ने उपवास मिला। तो बाद में गुरु जी ने पूछा बाप पप्पा जी ये क्या, तो बोलते आपको दूसरा जो उसमें भार पड़ गया ऐसा सत्संग में, वो योगी जी महाराज को शास्त्री जी महाराज को छोड़ के दूसरा भार हुआ, स्वामीनारायण भगवान को छोड़ के दूसरा भार पड़ा, वो लाडू खा दो। इसलिए बापा ने बोलते हैं उपवास दिया, उसके लिए उपवास नहीं दिया कि तुम वहाँ गए और कोई लेडीज अट गए हो गया, ऐसा नहीं है, मगर आपके हृदय में किसी का भार पड़ गया उपवास। तो ये बोलते हैं कि आवो जोग मळ्यो छे ने बीजाने वळगे छे ते काई समझता नथी, ते रघुवीरजी महाराज आदि मोटा मोटा साधु कोवैया ने पादर बैठा हता। ये किसका भार पड़ना ने वो क्या वो बताते हैं गुणातीतान स्वामी, के रघुवीरजी महाराज और बड़े आचार्य वगैरह सब कोवैया के पादर बैठे थे, तेने मुकी ने 300 मानस दरियो जोवा दौड़ियो, 300 आदमी पूरा ग्रुप लेके गए होंगे। तो रघुवीर जी महाराज बैठे थे
बोलते आपको सबको जहां जाना है वहां जाओ, तो 300 आदमी छोड़ के क्या देखने को गए, दरिया उधर बाजू में होगा पादर में तो वो देखने को चले गए। रघुवीर जी महाराज ऐसे ही बैठे रहे। तो वो रघुवीर जी महाराज आदि मोटा 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 साधु कोवैया ने पादर बैठा था, तेने मुकीने 300 माणस दरियो जोवा दौड़ियों। त्यारे तो दरिया जेवा रघुवीर जी महाराज नहीं ने, पण ज्ञान क्या आने मुकीने बीजाने वळगे छे तेमा शू पाकशे, साधु मळे एम क्या छे, ते कह्युं जे पत्थर की जाति हीरा चिंतामणि पारसू मोती पुखराज लाल साल फेर डारिये काम देनु कल्पतरु आदि दे अनेक निधि सकल विनाशवंत अंतर विचारिये सभी जहान में ही दूसरो उपाय नाही चरणों में शीश मेली दीनता उच्चारिये। ऐसे ये सत्संग की बात है, बड़े संत मिले उसमें हमें अगर महात्मा समझ में आ जाए, महिमा की बात है, महिमा समझ में आ गया तो पार लग जाता है। अंतर में वो महात्मा होना चाहिए, मगर अंतर में हमें दूसरा दूसरा महात्मा हो जाता है। भगवान का महात्मा होना वो बहुत बड़ी बात है। स्वामीनारायण भगवान के टाइम में एक संत थे गोविंदानंद स्वामी, जब भी हमें दूसरा भार होता है ना तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। भगवान और संत ऐसी माया प्रसारते हैं और ऐसी माया में हम लपेट जाते हैं। और ये बार बार सत्संग करने का, बार बार ये सत्संग सुनने का, ये बातें सुनने का, उसका मतलब यही है कि हमें भगवान का महात्मा जीव में बैठे। और अगर जीव में वो महात्मा बैठ गया तो बाद में और कुछ रहेगा नहीं, भगवान और संत ही रहेंगे। आज जैसे गुणातीत सत्पुरुष को देखे, स्वामी जी को देखे, फ्लाइट में बैठेंगे तो सीधा ही उसके हाथ में क्या पुस्तक होगा, पुरुषोत्तम बोले अप्रीते। दिनकर भाई को देखे स्वामी की बात, कुछ भी वो होता है तो स्वामी की बात वचनामृत उसका अध्ययन चालू ही रहता है। काका जी के हाथ में हमेशा हमेशा गुणातीतान स्वामी की बात हाथ में रहती थी। हमने वो अभी प्रसादी की बात रखी है, उसके सब पेज ये हो गए हैं, काका जी ने इतना पढ़ा होगा वो बातें। तो ऐसी बात में हर एक जगह में मार्किंग किया हुआ है। तो ऐसी जो बातों वो महात्मा समझ में आ गया, आना चाहिए, महिमा होना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी के टाइम, अरे महाराज के टाइम में गोविंदानंद स्वामी करके थे। गोविंदानंद स्वामी जब भी घर से भगवान को ढूंढने के लिए निकले, वैराग्यवान थे, अंतर में इतना वैराग्य था बात पूछो मत। और वो घर छोड़ के निकल गए कि मेरे को तो भगवान प्राप्त करना है। और भगवान की प्राप्ति के लिए वो घर से निकले। बहुत रूपवान थे और एकदम होशियार भी थे, मगर अंतर में वैराग्य था। तो निकल के निकलते ढूंढते ढूंढते किधर गए तो एक जंगल में से पास हो गए थे। वहां से पास हो गए थे तो सामने से एक राजा के महल में रहती हुई दासी सब धन वगैरह उसने इकट्ठा किया था। और वो सोचा इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो चोरी का जो सब धन वगैरह था उसका पोटला बांध के राज्य में से निकल गई। और बोलते अभी मैं जाऊं, भाग के जा रही थी उसने में उसने सामने से देखा कि कोई लड़का आ रहा है, अच्छा है, रूपवान है, बहुत अच्छा दिखने में है, तो उसको ही क्यों मैं न बोलूं। तो जैसा ही वो गोविंद स्वामी नजदीक आया, वो भी नजदीक आया तो गोविंद स्वामी को बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी
और ये मेरे पास इतना धन है वो भी तुम्हारा, मेरे को आप स्वीकार कर लो। और दासी भी रूपवान थी, अच्छी थी, और उसने धन भी दिया, अपने आप को भी दिया। गोविंद स्वामी ने देखा हमें भगवान को, अभी तक महाराज मिले नहीं थे, महाराज का दर्शन भी नहीं हुआ था, खाली ढूंढना था, उसके अंतर में वो भाव था कि मेरे को भगवान का दर्शन करना है, और वो निकले थे ऐसे। और जैसे ही वो वहाँ आए, उसको दिया, तो गोविंद स्वामी ने बोला कि ये बहनों के साथ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करनी जैसी नहीं, वो इतने पावरफुल है। समझ में आ गया उसको कि उसको आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो उसने उनको बताया कि तुम बैठो इधर, मैं जरा लेटरिन जाके आता हूँ। वो टाइम में तो जंगल में ही जाने का होता है, ये मेरा कपड़ा है ऊपर का, वो मैं इधर रखता हूँ, वापस आता हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से निकल गया, और बोलते इतना दौड़ के भाग गया कि वो दासी बिचारी वहाँ राह देखती रह गई, और वो सीधा वहाँ से दौड़ के गढ़ड़ा पहुँच गए, और गढ़ड़ा में महाराज को मिले। महाराज भी जान गए कि ये कितना ये करके आया है, अपने आप को होड़ में लगा के आया है। तो उसने बोले, ओ आपने सब छोड़ के आए, इतना दौड़ के आए। महाराज ने उसको ग्रहण किया, और महाराज में उसको इतना भाव हो गया, तो महाराज को बोला ऐसा ऐसा हुआ। महाराज बोले ठीक है, फिर साधु बनाया, गोविंदानंद नाम रखा। फिर महाराज अपने के साथ रहते थे, ये अभी इतना वैराग्य था, इतना समझण था, इतना नॉलेज था, सब कुछ था, मगर बाद में वो आगे महाराज के साथ लेके गए महाराज, और उसमें जेतलपुर उधर महाराज के साथ गए। तो गंगा माँ थे, वो रसोई बहुत अच्छी बनाते थे, और इतनी अच्छी रसोई बनाते थे, और महाराज के लिए उतना प्रेम था उसको कि महाराज जेतलपुर के साइड में आए तो महाराज के लिए वो सर पे टोपला में सगड़ी, उसके ऊपर दाल भात का वो बर्तन वो रखते थे, और महाराज के साथ जाते थे। ऐसे तो कौन होगा, सर पे सगड़ी जलती हुई है और उसमें दाल भात बनाते हैं, और वो जहाँ जाते हैं महाराज वहाँ उसको वो गरम गरम दाल भात मिले, ऐसा सब अरेंजमेंट करते थे। तो बहुत ये तो इतना अच्छा लगा उसको, इतना गंगा माँ इतनी सेवाभावी थी। वो जेतलपुर आए थे महाराज, और महाराज को ये दाल घात वगैरह सब खिलाया, और वो गोविंदानंद स्वामी को भी खिलाया। गोविंदानंद स्वामी को दाल बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी दाल लगी कि उसको लगा कि अभी महाराज थोड़े दिन रहे तो महाराज के साथ रहे, और बाद में महाराज निकल गए तो बोलते मैं अभी थोड़ा दिन यहाँ ही रहता हूँ, रह गए। गंगा माँ तो बेचारे बहुत क्या भाव वाले थे, महिमा वाले थे, तो वो तो हर रोज दाल खिलाते थे, दाल भात खिलाते थे, महिमा से खिलाते थे। उसको तो उसमें इतना लगाव हो गया कि एक महीना गया, दो महीना गया, तीन महीना गया, चार महीना, छह महीना तक वहां रहे और दाल खाते रहे। मगर महाराज को यहां समझ में आ गया कि मेरा भगत दाल में बांध इतना छोड़ के आया, और ये दाल दो कौड़ी की, उसमें तुम बंधन में आ गया। देखो भगवान है वो हमेरी हर एक प्रकार से रक्षा करते, हर एक प्रकार से अपने आगे पीछे वो घूमते ही रहते, वो ध्यान रखते हैं अपने को, और अपने लिए वो भजन करते, अपने को
भगवान में जुड़े रहे, इसके लिए वो भजन करते हैं मेरे लिए कि हम ऐसा किधर भी आगे पीछे न जाए। काका जी हमेशा हमको बोलते थे कि आप मेरे साथ खाली दो बार भजन में बैठो, बाकी सब मैं करूँगा। तो दो बार वो जब भी भजन करते थे तभी हम धुन करने को बैठते थे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, इतना जोरदार धुन कराते थे दो बार धुन करने का। मगर उसने में वो पूरा कंट्रोल अपना उनके पास होता था, हम किधर भी आगे पीछे जा नहीं सकते थे, इतना उनका पावर था। तो ऐसे जो संत पुरुष होते हैं वो इतने पावरफुल होते, हम मानते हैं कि हम तो अपनी मनमानी करते हैं मगर नहीं कर सकते, वो इतने पावरफुल है। वो जो होने देते हैं वही उसको ध्यान में रहता है कि भले ये होता है तो होने दो, मगर वो पावरफुल है। वो आपको गुणातीतान स्वामी के टाइम में एक ऐसे भगत थे, उसको कोई लड़की से प्रेम हो गया, गुणातीतान स्वामी को बोला कि मेरे को इनसे शादी करनी। अरे भाई तुम शादीशुदा है और उससे शादी करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते नहीं नहीं मेरे को तो ये पसंद हो गई है। तो गुणातीतान स्वामी ने बोला ठीक है तुम ये साफ करो अपना मंदिर का चौक, और ऐसा साफ किया तो उसमें उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई ने उसका उसके साथ शादी करवा दिया। अभी तुम्हारी इच्छा है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मगर उसका कंट्रोल उनके पास है। बाद में वो वाइफ इतनी बीमार हो गई कि उसको उसका सुख आया नहीं। तो कहना ये है कि ऐसे भगवान और संत है वो हमारी रक्षा में। महाराज ने वो सभी देखा कि ये 6 महीने से जैतलपुर से हिलता नहीं है, क्या बात है। महाराज वापस जैतलपुर आए, गोविंद स्वामी को पूछा क्या है भाई इधर क्यों है, कितने टाइम से यहाँ है? तो कि 6 महीने से हूँ। क्यों? तो कि इधर का पानी अच्छा है इधर का पानी हमें पसंद हो गया है, अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहती है। बोलते हैं गोविंदानंद तुमने मेरा इतना प्रकरण लोट गोड़ा खाया ये खाया, तुम इधर तक घूमते रहते हो, सब विचरण कर किया तो भी तुमको पानी का तभी ख्याल नहीं आया, और अभी पानी ख्याल आया, चलो मेरे साथ। अभी सच्ची बात तो बताई नहीं कि मेरे को दाल पसंद आई है, मगर ऐसा पानी पसंद आया, ऐसा वैसा सब बताया। महाराज ने बोला चलो अभी मेरे साथ। फिर महाराज के साथ गोविंदानंद स्वामी को लिया। अभी महाराज के पास और तो कुछ, महाराज का ऑर्डर आए तो नहीं ना नहीं बोल सकते, चलो महाराज के साथ चलने लगे। महाराज भी कैसे थे कि उसने गोविंदानंद स्वामी को साथ में लेके निकले, एक दिन गया दो दिन गया, महाराज उसके महाराज आगे गोविंदानंद स्वामी साथ में पीछे पीछे, गांव ही नहीं आने दिया। कोई गांव आए तो खाना पीना को होएगा ना, महाराज भी ऐसे भूखे तरसे और गोविंदानंद स्वामी भी। फिर 2 दिन हो गया गोविंदानंद स्वामी से रहा नहीं गया। बोलते महाराज मेरे को माफ करो, और आप इतने बड़े, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हो, खाते नहीं पीते नहीं, मेरा तो ठीक है, मगर आप मेरी कुछ गलती होगी तो माफ करना, मेरे को बताना, महाराज मैं आपका हूँ, मेरे को आप दिखाओ मेरी क्या गलती है, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो। एकदम गदगद हो गया, महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज बोले कि तुम एक तो वो गंगा माँ की दाल में बंध गया और मेरे को छुपा रहा है, मेरे को उल्टा बोल रहा है, मेरे को सच्चा बता भी नहीं रहा है, और बोलते हैं मेरे को तो उसका पानी पसंद आया तो और मैं क्या करूं। बोलते महाराज अभी मेरे को माफ कर दो, ये सब गया अभी। ऐसा करके महाराज ने उनके अंदर से वो निकालने के लिए, फिर उसने बहुत
महाराज को प्रार्थना करी, महाराज हमारे लिए आपने इतना कष्ट उठाया, इसे प्रार्थना करके महाराज के चरणों में रो पड़ा। महाराज ने उसको फिर क्या भी तुम जा, तो देखो ये भगवान और संत है, सत्संग है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सत्संग इतना पावरफुल है, वो हमें किधर भी रुकने नहीं देते, हमारे आगे 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 वो चलते रहते हैं। काका जी के जीवन में काका जी हमेशा बोलते थे, काका जी अपना बात भी करते थे बहुत बार, कि जब भी साक्षात्कार हुआ तो बोलते हम गोलोक में गए तो सोना की ईंट लेने की दिल हुआ, तो पीछे से बोलते जोगी महाराज ने धक्का लगाया और अक्षरधाम में पहुंचा दिया। ऐसे ये गुणातीत सत्पुरुष है, वो हमको कहाँ भी बंधने देते नहीं, कोई भी बंधन में लेने को जाने को नहीं देंगे। इतने ये सत्संग, इसलिए वो दुर्लभ है। दुर्लभ है मीन्स क्या, कि मिलना ही मुश्किल है, वो मिला अपने को। और ऐसा सत्संग मिलने पर हमें ऐसी रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे महाराज, हे स्वामी, आप हमारे अंतर में इसे बैठ जाओ। इसलिए काका जी हमेशा हर एक अलग अलग टेक्निक देते थे, जो मैंने बताया पहले कि आधा घंटा मेरे साथ धुन करो, वो एक टेक्निक है कि हमारा बैटरी चार्ज रहे। कोई भी प्रॉब्लम आए, मुश्किल आए, मुंझवण आए, तकलीफ आए, कोई समझ ना पड़े, तो वहाँ धुन, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी तो वो काम करेगा, वो सत्संग। काका जी ने साक्षात्कार किया, हम बोले वो काका जी को साक्षात्कार हुआ इसलिए उनके तो पावर था, मगर काका जी के पास वो जो पावर था वो उसने सबको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा नहीं रखा, कुछ मोनोपोली नहीं रखी, उसने बताया आप भी करो। मेरा भगवान के साथ में टेलीफोन लगता है और मैं बात कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपको फोन नंबर मोबाइल नंबर सब दे देता हूँ, आप जोड़ो खाली, नंबर लगाओ। तो ऐसी टेक्निक ये गुणातीत सत्पुरुष हमें देते हैं। आज हम शाम को भी मिलते हैं तभी हम ऐसी एक टेक्निक है पंचयज्ञ, काका जी हमेशा बताते थे, वो हम साथ में करेंगे थोड़ा प्रेयर। कल हमारे पिंटू भाई ने भी बहुत अच्छा मेडिटेशन वगैरह का एक प्रोग्राम बताया, ऐसा ही ये प्रोग्राम है, वो हम शाम को उसके ऊपर करेंगे। मगर ये सत्संग है वो हमें मिला है, वो दुर्लभ है, दुर्लभ में दुर्लभ सत्संग है, दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य देह है। आज सुबह में हमारे बात कर रहे थे अशोक भाई, वो बोल रहे थे कि मेरे मुंह का टेस्ट चला गया है इसे वो घनश्याम भाई है उसका भी बाद में दिनकर भाई बताते थे कि टेस्ट चला गया है। तो जब भी नहीं होता है हमें अभी मालूम नहीं पड़ता है, हम खाना खाते हैं, अच्छे टेस्ट लेते हैं, मगर टेस्ट ही नहीं आएगा तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा। मगर वो बोल रहे हैं तभी उसका वो देख के ऐसा लगता है कि क्या तकलीफ होती होगी, कुछ भी खाना खाए, मीठा खाए, तीखा खाए, नमकीन खाए, कुछ भी खाए, टेस्ट ही नहीं। तो भगवान ने खा लिया कि इतनी सी टेस्ट, और वो भी जीभ के ऊपर ही है, और तो बाद में तो कुछ नहीं, तो भी हमें कितना ये चला जाए तो भी कितनी मुश्किल होती है, तकलीफ होती है कि अभी क्या करें, टेस्ट नहीं। ऐसा वो दुर्लभ ये मनुष्य देह, दुर्लभ ये संत, सत्संग ये सब मिला है। तो हम सच्चे हृदय से ये गुणातीत सत्पुरुष को चरणों में प्रार्थना करें, गदगद कंठ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें हमेशा इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहना, आपका संग, आपका ऐसा सत्संग हमें हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। यहाँ इतने लोग बैठे मगर बहुत लोग सुनते होंगे और उसका लाभ लेते होंगे। कई लोग होते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, हम तो सत्संग हमेशा सुनते हैं, दिनकर भाई का ऐसे बात कर,
उसको ये उनका ये है, सुबह में एक घंटा हम अभी गए थे न्यू जर्सी, तो वहाँ कितने लोगों ने बताया कि सुबह का सत्संग मिलता है तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। अभी सत्संग में थोड़ी सी बातें है मगर वो बात भी हमारी चेतना को टच करती है, मेरी चेतना को असर करती है। इसलिए मेरा जो दो तीन दिन का ये सेशन है, सत्संग है, उसमें हमें बहुत लोगों का लाभ मिले, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसमें से हमारे लिए एक शब्द भी हो जाए, एक वाक्य भी मिले और उसके हिसाब से मेरा जीवन बन जाए, यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की।